ये भी बता रहे कि तुम्हारी एक नाबालिग लड़की से शादी इसीलिए हो? क्यों ना मानी भारी बात, भारी नालायक बेटी ने यहाँ क्या गुल खिला के रखे? वीर, हम जानते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, हमारे सूर, हमारे सिद्धांत। वीर, हम जानते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, तुम्हारे सूर, तुम्हारे सिद्धांत, तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमें ये भी पता है कि तुम्हारी एक नाबालिग लड़की से शादी इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें उसके असली उम्र के बारे में अंधेरे में रखा गया था, लेकिन कल रात सब लोग उनसे सवाल करते हैं क्योंकि तुम्हें उसके असली उम्र के बारे में अंधेरे में रखा गया था, लेकिन कल रात जुम्मन तो बात बहुत आगे बढ़ गई। सब लोग उनसे सवाल करते हैं तुम्हारे चरित्र। आपको जो कुछ भी हुआ इसमें इसमें खान दासा की कोई गलती नहीं थी, उसको इनको धोखे से लाया गया था, इनको यह मामला हुआ सर। बिल्कुल, हमारे बीच ऑफिशियल बात चल रही, तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे। अभी अगर आपने कुछ भी कहा मेरे हुकुम की मुसीबतें और भी बढ़ जाएगी। मैं मुसीबत बढ़ाने नहीं आई हूँ थाने दार साहब के, मैं तो सिर्फ सबको ये सच बताने आई हूँ कि रात को जो भी हुआ वो सब कुछ गलत हुआ। रात को क्या हुआ था वो सारी सच्चाई में बताने आई हूँ यहाँ पे। क्यों ना मानी भारी बात, बस इतना तो थोड़ा आगे रह तू। भारी नालायक बेटी ने यहाँ क्या गुल खिला के रखे? आप देख रहे यहाँ पे क्यों आया है, ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, किसी ने कुछ किया होगा, ये देख रहा है कि अरे घर शाना बनता है, ये बात चला गया जाओ, ये उसने संभाल के थोड़ा लुक चीट करो, कैमरे के सामने देखो, उसने कॉलर पकड़ लिया, घर शाना बनता है। हाँ धनेर धारी और बुलबुल की शादी के समय बताया था ना मैंने कि छोरी नाबालिग है, माँ को देखा, माँ को गुस्सा देखा, गुस्सा आ रहा है, ये उसका कॉलर पकड़ा है और फिर ये नौटंकी करने लगा, ये आप गए गुस्से में,